जय हिंद दोस्तों। हर सभी लोग सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशी से रहना चाहते हैं, लेकिन हर सभी लोग क्यों अपने जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता और अपना जीवन में जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जो जिंदगी जीना चाहते हैं, वो जिंदगी क्यों नहीं जीना पाते। केवल 3% लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल बन जाते हैं और 97% लोग उतना सक्सेसफुल नहीं बन पाते जितना वो बनना चाहते हैं। इसका मतलब, इसका सबसे बड़ा समस्या वो डिसीजन लेना पावर सबका पास नहीं होता है। हर सभी लोग तो डिसीजन ले लेते हैं अपने जीवन में कि मैं अमीर बनना है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम बनना है, मुझे टाइम फ्रीडम बनना है, मुझे अच्छा ज़िंदगी जीना है, मुझे वो सारी चीज़ चाहिए जो एक अमीर लोगों को, एक खुशी, एक हैप्पी लोगों को चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ क्यों नहीं मिल पाती। इसका कारण ये होता है कि एक इंसान अपना डिसीजन लेने का जो क्षमता है वो उतना वीक रहता है, इतना दुर्बल होता है कि वो अपने डिसीजन को कायम में वास्तव में परिवर्तन करने के लिए वो सक्षम नहीं हो पाते। इसका कारण ये होता है कि जब भी वो एक इंसान अपने लाइफ में बदलने के लिए डिसीजन लेते हैं, जैसे उसका जीवन में कोई समस्या आ जाती है, वो अपने डिसीजन को बदल देते हैं। वो नहीं बदलते हैं, आप काम करने का तरीका को नहीं बदल के अपना डिसीजन को बदल देते हैं जब समस्या आ जाती है, इसीलिए अपने जीवन वो सफल नहीं हो पाते। भगवान हर सभी को परीक्षा लेते हैं, अपने परीक्षा में जब पास करेंगे तो वो अपना जीवन में आगे तक जाएगा, लेकिन हर 90% लोग अपने जीवन में जो परीक्षा देते हैं उसमें सफल नहीं पाते, इसलिए वो अपने डिसीजन को चेंज कर देते हैं। आप जो भी बनना चाहते हैं, जिस तरह भी बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, उसको डिसीजन लीजिए और वो डिसीजन लेके उन लोगों से पूछिए जो उस सिस्टम से, उस व्यवस्था से सफल हो चुके हैं। आप एक टीचर होना चाहते हैं तो उस टीचर से पूछिए जो टीचर सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप एक डॉक्टर होना चाहते हैं तो उस डॉक्टर से पूछिए जो डॉक्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं उस IAS ऑफिसर से पूछिए जो ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन आप उन लोगों से मत पूछिए जो अपना आपको डिसीजन लेने के लिए और आपका डिसीजन को बदलने के लिए वो मजबूर करते हैं। हम ज़्यादातर गलती उसी काम को करते हैं जिस काम को हम करना नहीं चाहते, उन्हीं लोगों से हम उनसे ओपिनियन लेते हैं जो लोग वास्तव में कुछ नहीं करते, और ज़िंदगी में क्या मिलती है वही मिलती है जो उनको मिला है। इसीलिए मैं बोलूँगा आप अपना जीवन को खुद ही चुनिए कि आप बनना क्या चाहते हैं। जब आप बनने के लिए चाहते हैं तो आपको उस डिसीजन को लेना पड़ेगा, उस डिसीजन को वास्तव में परिवर्तन करने के लिए आपको उस सारी संघर्ष, उस सारी प्रॉब्लम से लड़ना पड़ेगा, फिर बाद में आपको सक्सेसफुल मिलेगा। सक्सेसफुल इतना आसान ही होता तो सब लोग हासिल कर लेते, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। इसलिए आपको अपना डिसीजन को इतना पावरफुल बनाना है कि दुनिया जो भी बोल जाए, लाखों करोड़ों भी बोल दे, आप उस डिसीजन को कायम रखिए और आपने सक्सेसफुल डिसीजन को चुनिए अपना जीवन में, जिससे आप सफल हो सके, जिसको आप पसंद करते हैं। देखिए, बहुत सारे समय में आपको नापसंद करने वाले काम करके भी आप सफल बन सकते हैं, इसलिए जो काम आपके लिए अच्छा है उस काम को पसंद करना शुरू कर दीजिए, फिर देखेंगे आप उस काम को पाने के, उस काम को सक्सेसफुल देने के लिए आपको सक्सेसफुल लाइफस्टाइल मिल चुका होगा। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को ही करना चाहते हैं तो उस इंडस्ट्री को चुनना चाहते हैं तो उस इंडस्ट्री को अपने लाइफ में फ्यूचर के लिए काम करना चाहते हैं तो उस इंडस्ट्री को चूज कीजिए और काम कीजिए। तब तक कीजिए जब तक आप सफल नहीं बन जाते, लेकिन ऐसे काम मत कीजिए जिससे आप करने के बाद आप असफल बन जाएंगे। इसलिए हर बात में ऐसे बात बताना चाहूँगा कि आप अपने सपनों को इतने महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। तो नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए और नेटवर्क मार्केटिंग जो सफलता उसको हासिल कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।